जाने कहां कहां पर भटका तेरा दीवाना। दरिए तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना। दरिए तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना, जिस पे किया भरोसा उसने ही आंख फेरी। जिस पे किया भरोसा उसने ही आंख फेरी। लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण तेरी। लो आइए, कौन कौन शरण में है प्रभु की? शरण में आए हो ना, शरण में आए हो तो गाना, शरण में आए हो तो अपने शरीर से जिस तरह से सेवा कर सको करना। लो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी। लो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी। मुझे थाम ले दुखों से आया हूँ हार करके। थाम ले दुखों से आया हूँ हार करके। थक सा गया हूँ बाबा जग को पुकार करके। थक सा गया हूँ बाबा जग को पुकार करके। एक आश दिल में मेरे बाकी है श्याम तेरी। एक आश दिल में मेरे बाकी है श्याम तेरी। लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण तेरी। लो आ गया अब तो श्याम बदनाम होगा।
सरनाम होगा। कौन कौन मान रहा है ये बात? कहता बनवारी जो भी बात बिल्कुल सही है, कहता बनवारी जो भी बात बिल्कुल सही है, बदल देता तू किस्मत बात झूठी नहीं है। बाबा तुम साथ दयालु देव दूजा नहीं है, बाबा तुम साथ दयालु। कौन कौन मानता है ऐसा देव नहीं मिलेगा कलयुग में? ये मिलकर तालियां बजाकर से चला न पाया, लाखों ही कोशिशें की पर से चला न पाया, संभली ना मुझसे नैया तो शरण में तेरे आया, संभली ना मुझसे नैया तो शरण में तेरे आया। कौन कौन शरण में आया? मेरा दिल घबराए, टकमग टकमग टोला खाए, हर पल मेरा दिल घबराए, डूब कहीं ना जाए नैया तेरे हवाले, जाने दुखा डुबाले, नैया तेरे हवाले, जाने दुखा डुबाले, कन्हैया चरणों की धूल दे दे मुझ। ए भाई साहब हेलो, इवेंट मत बनाओ यार। चरणों की धूल दे दे मुझको भी है दयालु, चरणों की धूल दे दे मुझको भी है दयालु, भटका हूँ जिसकी खातिर सच्ची खुशी वो पालू, भटका हूँ जिसकी खातिर सच्ची खुशी वो पालू। ए हर्ष तू बता दे किस बात की है देरी, ए हर्ष तू बता दे किस बात की है देरी, वो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी। सुनो दिल से बोलना, कौन कौन अब तक सिर्फ बाबा के लिए टिका हुआ है? कौन कौन अब तक सिर्फ बाबा के लिए टिका हुआ? तो गाओ, भजन गाओगे तो श्याम सुनेगा, कसम खाटू वाले की सुनेगा, पूरे हाथ उठाकर। मैं माइक में नहीं बोलूंगा, भजन खत्म हो गया, जोरदार आवाज में बोलेंगे। क्या लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण, और थोड़ा जोर होना चाहिए, बोलो। लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण
अब तो श्याम मैं शरण तेरी। बाबा आपके शरण में जो भी बैठे हैं ना, उसको और किसी की दरकार ना पड़े, बस इतनी कृपा करना। क्या है बी फ्लैट ना? खाटू गए हैं सब? कौन कौन गया? आपको क्या नजर आया खाटू के मंदिर के अंदर में? आपको जो बाबा विराजमान है वो क्या क्या नजर आता है? यहां पे भी आपको क्या नजर आता है? बाबा का शीश है ना? ए बेटा हेलो, लोग कहें बस शीश है खाटू, श्याम प्रभु के हाथ नहीं। बोलो, लोग कहें बस शीश है श्याम प्रभु के हाथ नहीं, लेकिन लिखने वाले ने एक सवाल पूछा, ऐसा कोई काम बता दो जिसमें इनका हाथ नहीं। अरे आपके काम बने हैं तो बोलो ना यार, पेट भर लिया। लोग कहें बस शीश है खाटू, लोग कहें बस शीश है खाटू, श्याम प्रभु के हाथ नहीं। कहें बस शीश है खाटू, श्याम प्रभु के हाथ नहीं, ऐसा कोई काम बता दो जिसमें इनका हाथ नहीं। ऐसा कोई काम बता दो जिसमें इनका हाथ नहीं। अगर देखो आपकी किस्मत अगर खाटू वाले ने बनाई है तो पूरे हाथ उठाना, पूरे पूरे, और एक बार तालियों की आवाज से मिलकर एक साथ में। इसने ही अपने हाथों से किस्मत लिखी हमारी है, किस्मत लिखी हमारी है, उस किस्मत में ये भी लिखा है कृपा मुझ पर भारी है। इस किस्मत में ये भी लिखा है कृपा मुझ पर, किस पर, किस पर? इसने ही अपने हाथों से किस्मत लिखी हमारी है, किस्मत लिखी हमारी है, उस किस्मत में ये भी लिखा है कृपा मुझ पर भारी है, उस किस्मत में ये भी लिखा है कृपा मुझ पर भारी है। जब से बाबा हुआ है मेरा हो, होता मेरे साथ सही, जब से बाबा हुआ है मेरा होता मेरे साथ सही, ऐसा कोई काम बता दो, ऐसा कोई काम बता दो जिसमें इनका हाथ नहीं। कौन कौन मानते हैं इनका हाथ नहीं होता तो आज हम यहां पर नहीं होते? कौन कौन मानते हैं? ये तालियां बजाकर Thank you.
जिंदगी सवार, जिंदगी सवार, जिंदगी सवार देते हैं श्याम जी, पल में मान जाते हैं श्याम जी, पल में मान जाते हैं। कितनी जल्दी मानता है भाई, कितनी जल्दी मानता है मेरा खाटू वाला, ये बात लख दातार की। पुराने भजन सुने हैं, किस किस किसको आता है हाथ उठाकर मिलकर, सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, तुम्हारे के जाने को कोई, तुम्हारी मेरी बात के जाने को कोई, है कितनी दफाई, है कितनी दफाई, ये पल का भी कोई, तुम्हारी मेरी छोटे हो या बड़े बड़े फिर तूफान वापस मुड़ जाए, छोटे बड़े बड़े फिर तूफान वापस मुड़। सही लिखा है, सही लिखा है तो हाथ उठाओ ना, ये तालियां बजाकर, किसको किसको मोर चढ़ी चाहिए, एक दो तीन चार। हाथ में इनके मोर चढ़ी है जोकर सिर पे पड़ जाए, छोटे हो या बड़े बड़े फिर तूफान वापस मुड़ जाए, छोटे हो या बड़े बड़े फिर तूफान वापस मुड़ जाए, जो मेरी नैया को चलाए हो, जो मेरी नैया को चलाए, है माझी के हाथ यही। ऐसा कोई काम बता दे जिसमें इनका हाथ नहीं, ऐसा कोई काम बता दे जिसमें इनका हाथ नहीं। पहली बार आयो कीर्तन में, पहली बार आयो तो तेरा किस्मत बदलने वाली है, मजा आ जाए, घंटा दे दे बाबा को, पक्की बात किस्मत बदल जाएगी। हो सकता है आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी हो, लेकिन सबसे बेहतरीन ड्राइवर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे बोल ना यार, तालियां बजाओ। मेरे साथ मेरा भाई चलता है, अभी वो अंदर बैठा कि नहीं पता नहीं, मैं उसी की गाड़ी लेकर जाता हूं। लेकिन अभी दो महीने पहले एयरपोर्ट के नजदीक मेरी आंख खुली हूं, मैं देख रहा हूं सामने बाइक वाला है, और उसको थोड़ी सी झपकी लग रही थी, उड़ा देता यदि मैं नहीं चिल्लाता। अब मैं सोता नहीं हूं, गाड़ी बढ़िया पा सकते हो, ड्राइवर उसी को मिलेगा प्रेमियों जो इसका कीर्तन करेगा। तालियां बजाएं। इनके ही तो हाथ उठ, इनके ही तो हाथ है उठते, जब भी ठोकर खाता हूं,
और यही रास्ता दिखलाते भटक राह गर जाता हूँ, और यही रास्ता दिखलाते भटक राह गर जाता हूँ। इनके ही तो हाथ है उठते जब भी ठोकर खाता हूँ, बोलो इनके। और यही रास्ता दिखलाते भटक राह गर जाता हूँ, और यही रास्ता दिखलाते भटक राह गर जाता हूँ। होते जो महसूस स्नेह के, होते जो महसूस स्नेह के, सिर पर है वो हाथ यही। होते जो महसूस स्नेह के, होते सिर पर हाथ यही। ऐसा कोई इस लाइन का महत्व समझना, बस बंद कर दो। होते जो महसूस स्नेह के, मई में हम लोग हरियाणा से कीर्तन करके आ रहे थे, सुबह 4:45 बजे एक गाड़ी इन लोगों की, उसके पीछे एक गाड़ी जिसमें मैं बैठा था, ये बैठा था, और आगे वाली गाड़ी एक्सीडेंट हुई, उसके साथ साथ 5% गाड़ी मेरी भी एक्सीडेंट हुई। इन लोगों की गाड़ी अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, अचानक लगा कि दरवाजे खुले और ये लोग गिर रहे नीचे। एक मिनट के लिए होश उड़ गए, लेकिन जब उतर कर, एक मिनट तक उतर नहीं पाया, लेकिन जब उतर कर वहां गया, इसको देख नहीं सकते, आपकी और मेरी औकात नहीं है, जब नरसी जी नहीं पहचान पाए तो हमारी क्या औकात है। लेकिन वहां पर जब पहुंचा, बाबा से इतना ही कहा, बाबा आपका कीर्तन कर कर आ रहे हैं, इनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो, बाबा आपका कीर्तन करके आ रहे हैं। बस उसी के तुरंत बाद महसूस होने लगा जैसे वो कह रहा है कि पगले, बहुत बड़ा संकट था छोटे में टाल दिया, नुकसान सिर्फ गाड़ी का हुआ है, तुम्हारी जो शरीर रूपी गाड़ी है ना, इस गाड़ी का नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम कीर्तन करके आए हो। और सारे के सारे हालांकि 5-6 घंटे तक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में लग रहे थे ये लोग, लेकिन उसके बाद सुबह सुबह जब सूरज भगवान उगे ना, तो उसके बाद में सब कोई हंसते हंसते दूसरी गाड़ी में बैठकर वापस दिल्ली आ गए। तो ये भरोसा होना चाहिए, ये भरोसा कि मेरी गाड़ी मेरे हाथ में नहीं है, मेरी गाड़ी दुनिया की कोई ताकत नहीं चला सकती, मेरी गाड़ी यदि चला सकते हैं तो ये मेरे खाटू वाले श्याम बाबा चला सकते हैं। अपनी गाड़ी को इसको सुपुर्द रखा करो, और अपनी गाड़ी कुछ लेगा भी नहीं, ऐसा ड्राइवर मिलेगा नहीं आपको, ऐसा गाड़ी चलाने वाला आपको मिलेगा नहीं जो कुछ लेता नहीं है, बल्कि ऐसा है जो गाड़ी भी चलाता है और पेट्रोल भी खुद ही भराता है और देता भी यही है, ये मालिक भी है और ड्राइवर भी है। अब आपकी समझ में अगर किसी कहीं कल कोई फेसबुक पे ये लिख दे कि बाबा को ड्राइवर बना दिया, तो उसकी समझ की बात है कि वो क्या समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे जो भाव है ना वो इस शरीर रूपी गाड़ी के ड्राइवर के बारे में है, कि इस शरीर रूपी गाड़ी के लिए दुनिया का कोई भी ड्राइवर कितना ही बड़ा से बड़ा हायर करके ले आना, आप अपने बगल में दुनिया के सारे डॉक्टर को मौजूद रखना, लेकिन अगर इसकी मर्जी नहीं रहेगी ना, तो डॉक्टर, वो जो डॉक्टर रूपी ड्राइवर है ना, वो खड़े के खड़े रह जाएंगे, काम नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं है, सुनसान सड़क पर आप हो, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी, गाड़ी इनके हवाले है, तो वहीं पर ये डॉक्टर बनकर इलाज कर देगा और आपकी गाड़ी को नुकसान नहीं होने देगा। प्रेमी है, भरोसा आपको किसको किसको है? एक जयकार बोलिए, शीश के दानी की क्या बात है, आइए। आ
भजन आज मैं उस मां के लिए गा रहा हूं जिसका एक साल का बच्चा अभी 6 बजे मेरे पास कोई अननोन श्याम प्रेमी का फोन आया और किसी मां का लाल 1 साल का ऊपर से नीचे गिर गया और उसने कहा 5 घंटे हो गए उसको होश नहीं आया, आप बाबा को उसके लिए एक भजन सुना देना, एक अर्जी। मेरी तो क्या औकात कि मैं किसी की अर्जी लगाऊं, लेकिन मैंने सुना है कि भजन से काम बनते हैं, तो ये भजन आज उस माँ की तरफ से, उस बाप की तरफ से जिसकी गोदी का लाल होश में नहीं है और शायद वो माँ बाप पुकार रहे हैं। डगमग डोली जाए बाबा, ये नैया कैसे डगमग डोली जाए, बिन माझी पतवार के इसको तू ही पार लगा बाबा, ये नैया कैसे डगमग डोली जाए बाबा, ये नैया कैसे डगमग डोली जाए, बिन माझी दूर दूर नहीं दिखे किनारा लहर भी बिसरा, दूर दूर नहीं दिखे किनारा लहर भी बिसरा, बादल भी है गरज रहे और मुझको रहे डराए, बादल भी है गरज रहे और मुझको रहे डराए, ऐसे में मैं सोच रहा तू, ऐसे में मैं सोच रहा तू, मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे,
भाई खाटू वाले की दातारी शाम न रुक पाएगा ओ मेरा सांवरिया आएगा लाज बचाने वाले की सबसे प्यारी लाइन तुमको ही मैं समझूं अपना बाकी सब है पराए तेरे हाथों सब कुछ संभव तू ही लाज बचाए तेरे हाथों सब कुछ संभव तू ही लाज बचाए कर दे एक इशारा नैया कर दे एक इशारा नैया पार मेरी हो ना कोई काम आया ना कोई काम आया ना कोई काम आया बाहें पकड़ ले बाबा जय जय तरकस में तेरे चले तो ना रुक पाए अरे भेदो तुम पत्तों की तरह फिर कोई भी ना बच पाए भेदो तुम पत्तों की तरह फिर कोई भी ना बच पाए भेदो तुम निर्मल की विपदा सुनो प्रेमियो एक बात बोलूं मानना नहीं मानना आपके ऊपर है अपने लिए मांगोगे देर लग सकती है किसी दूसरे के लिए मांगोगे उसके लिए उसका एक काम बनेगा आपके सारे काम बना देगा उस एक साल के बच्चे के लिए यह भजन मैंने गाया आप सबसे निवेदन जो
जो सोफे पर बैठे हैं, जो नीचे बैठे, जो जहां कहीं खड़े हैं, सिर्फ एक बार उस बच्चे के लिए, इंसानियत के लिए एक बार पूरी ताकत लगाकर बाबा से अरदास कर दो। बाबा ये नैया कैसे जगमग डोली जाए, और थोड़ा जोर से, ये नैया कैसे जगमग डोली जाए, बिन माजी पतवार किसको तू ही पार लगा। इसमें इनका एक गलती हो गई मेरे से, ये परसों कहां कीर्तन था, बगल में कौन से, हाँ सावरिया सेठ में। दीदी आप तो बुरा मान गए, पांच मिनट तो बैठना पड़ेगा, एक भजन झेलना पड़ेगा मुझे। अच्छा मैं पहले वो बात करूं, उससे पहले आपको बता दूं, आप एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ से ऐसे ताली बजा रहे थे ना, तो आपके दोनों हाथ नहीं जुड़ रहे थे। अब मोबाइल पर ताली पड़ रही थी, अब देखो इसका नया वर्जन जब मोबाइल का आएगा, अपडेट होगा, आप वो खरीदोगे और ये मोबाइल किसी को भी दे दोगे, ठीक है ना, सलटा दोगे। पता है जिसके पास वो जाएगा ना, उसकी किस्मत खुल जाएगी। समझ में कम लोगों को आएगा, लेकिन जिनके आ जाएगा उसको महत्व पता चल जाएगा। अरे महाराज क्या बात है, ऐसा कोई काम बता दे। अभी 18 तारीख को श्याम मस्त मंडल के कीर्तन में ये मेरा भाई, मुझे इसका एक्चुअल नाम नहीं पता, अमित बंसल यार, एक्चुअल में क्या फर्क है, जिससे जिससे बाबा के दरबार में हाजिरी लगे उससे स्नेह है, मुझे नहीं मालूम है स्नेह किसका नाम है, बेटे का है। ये भजन जो उस दिन एक अंतरा इन्होंने मुझे दिखाया, इसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा गया, मैंने कहा पागल है क्या, गलत नहीं लिखा गया, बहुत अच्छा लिखा गया है। और आज इसने ये भजन मुझे पूरा करके भेजा, और दिल से बताऊं इस भाई पर इतनी कृपा करी, मेरे दिल में एक मिनट के अंदर में ये भजन उतरा। महाराज से ही अरदास करता हूँ कि आप पर इतनी कृपा करें कि जितने भी भजन लिखने वाले हैं ना, ये बिना महाराज की कृपा के नहीं लिख सकते। आपसे इतना सुंदर भजन बाबा ने लिखवाया है, आगे भी इसी तरह लिखवाते रहें बाबा। आइए, और एक बात आपको भी कि अगर मेरे कह देने से खाली बैठे हो तो आप जाओ, लेकिन खाली चुपचाप बैठे हो यार, आप गा नहीं रहे हो, ताली बजा रहे हो, गाओगे नहीं। मैं देखो प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, आप गाओगे ना तो विश्वास दिलाता हूँ, आप गाओगे तो वो क्या काम कर जाएगा आपको समझ पता नहीं चलेगा। मैं पता है मैं कभी भी, जब से बाबा ने मुझसे गवाना शुरू किया, मुझे गाना वाना आता नहीं, लेकिन जब से गवाना शुरू किया मैंने हमेशा यही देखा कि हम लोग मिलकर जो, क्योंकि हम आए उस कीर्तन से हैं, हम लोग एक्चुअल में पैदा हुए ताली कीर्तन से। आज भी जिस मंडल में मैं हूँ, जिस मंडल ने मुझे खाटू दिखाया, श्याम कला भवन, आप खाटू में जो धर्मशाला देखते हो, उस मंडल, उसका एक्चुअल मंडल जो है कलकत्ता में है, और 55 साल से बाबा का कीर्तन हो रहा है, और हर दोनों ग्यारस को, अंधेरी और चांदनी दोनों ग्यारस को सारी रात कीर्तन होता है। और आज भी बताऊँ आपको, आज भी कलकत्ते में शायद वो एकमात्र, जहां तक मेरी नजर में है, हो सकता कोई हो, कलकत्ते में आज भी एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें ग्यारस के, दोनों ग्यारस के कीर्तन बिना माइक के होते हैं, और सिर्फ एक ढोलक और एक हारमोनियम के ऊपर में कीर्तन होते हैं, और उस कीर्तनों वहां पर कीर्तन करते करते आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो मुझे आदत उस चीज की थी कि हम लोग सब कोई मिलकर रात को जब सुनाते थे, आज भी वहां पर जब उस बिल्डिंग के अंदर में, जब रात को 2:30 बजे 3 बजे हम लोग गाने के लिए बैठते हैं मंगला मुहूर्त के अंदर में, तो बाहर रोड 150-200 मीटर पर मेन गेट है, वहां पर भी आवाज पहुंचती है, वहां पर भी कोई सोया हुआ रहता है तो उसके कानों में आवाज आती है।
हम लोग उस कीर्तन से आए हैं और हमें मालूम है कि अगर अगर वो कीर्तन से मैं नहीं आता तो मैं आज नहीं पहुंचता, क्योंकि सुर तो हमारे पास है नहीं। आज महाराज के वो तालियों की कृपा, महाराज के वो भजन गाने की रात रात भर बैठ कर वो कृपा, जिसके कारण आज बाबा ने दुनिया का सब कुछ दिया मुझे, सब कुछ। और मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं कहता, जितने भी भजन गाने वाले हैं, मैं प्रोफेशनल की खाली नहीं बोलता, जो शौक से भी गाते हैं ना, उन पर भी असीम कृपा है, अनंत कृपा है। इसलिए आपको रोका भाई, आपसे एक ही निवेदन करूंगा, रोज मैं हर कीर्तन में बोलता हूं, रोज नियम बना लो कि एक भजन बाबा को सुनाएंगे। आप रोज एक भजन सुनाकर घर से निकला करो, आप जिस किसी भी काम में जाओगे फतेह होगी, वो हार नहीं पाओगे कि प्रेमी, वो काम खराब नहीं होगा। बोल खाटू नरेश की। आइए, ये भजन एक हक वाला भजन है। वहां जाकर झोली फैलाकर मांगा मत करो, खुट्टा गाड़ कर बोला करो, देना होगा बाबा। अरे बोलो बाबा, देना होगा और लेकर जाएंगे। किसी को बोल सकते हो ऐसा? कौन किसको बोलता है? जिस पर हक होता है, जिसको अपना समझते हो, उसी को बोलते हो ना। तो क्या कहा प्रेमी ने? तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे, ना बना के रहेंगे। तू रूठा है फिर भी, तू रूठा है फिर भी मना के रहेंगे, तू रूठा है फिर भी मना के रहेंगे। देखो ये बात कहने के लिए भी कि तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे, यदि संजय मित्तल की दरकार है तो फिर नहीं बनेगा आपका, अपने आप पूरे पूरे हाथ उठाना, पूरे पूरे, शर्म मत करना, दर्द की परवाह मत करना, उसका भी इंतजाम करेगा। एक दो लेकर आए, चाबी भरी सामने दौड़ाया, आप तालियां बजाने लगे, खाना खाने लगे, तालियां बजाओ। ये मेरा खाटू वाला रूठ जाएगा, इसको कौन सा खिलौना लाओगे, कैसे मानेगा ये? इसका खिलौना क्या है पता है? ये भजन ही इसका खिलौना है। कितना ही रूठा रहेगा, कितना ही रूठा रहेगा, हक से कहोगे बाबा मैं आपको भजन सुनाने आया हूं, सुनना पड़ेगा, कसम श्याम की एक मिनट में मान जाएगा। तुम्हें श्याम अपना बना के रहेंगे, तुम्हें श्याम अपना बना
शम अपना बना के रहेंगे, तुम्हें शम अपना बना के रहेंगे। तालियां ये बजा कर लायक बना लो माने थार दरबार के, लायक बना लो माने थार दरबार के। कौन कौन लायक बनना चाहता है दरबार में? करूंगा, बोलो
तुझ पे भरोसा मेरा है भारी, तुझ पे भरोसा मेरा है भारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया, सुनो, हम लोगों की आदत हो गई ना ज्यादा चाहिए। ए सुशील भाई, भारी चाहिए, तालियां बजाओ। आपके पास भी कुछ भारी होना चाहिए, भरोसा भारी है, भरोसा भारी है तो हर चीज भारी मिलेगी इस दरबार से। तेरा है बाबा तेरा है हमें भरोसा, तेरा बोलो बोलो, हमें भरोसा तेरा है। खाटू वाले हमको दिला दे, खाटू वाले हमको दिला तेरे चरणों में आस्था, भरोसा तेरा है। खाटू वाले हमको दिला दे चरणों में आस्था, भरोसा तेरा है। ये भजन उन लोगों की तरफ से है जिनकी किस्मत बिल्कुल ब्लैंक थी, ब्लैक पेपर की तरह बिल्कुल शाह, कुछ नजर नहीं आ रहा था। किसी बाबा के प्रेमी की नजर पड़ गई, उसने काले पेपर को दरबार में भेज दिया। अब काले रंग को लोग अशुभ भी मानते हैं, लेकिन ठाकुर जी को काले कलर से बहुत प्यार है, इसलिए देखो हमारा ये भाई मोटा भाई है। अब ठाकुर जी के दरबार में, जब बाबा के दरबार में वह पहुंचा, काला पेपर तकदीर के सिर माथे के ऊपर काला पेपर छपा हुआ था, बाबा के सामने पहुंचा। बाबा ने कहा, मन में सोचा, अगर इसकी तकदीर नहीं लिखी जाएगी तो उसकी इज्जत चली जाएगी जिसने इसको भेजा है, उसकी इज्जत चली जाएगी जिसने इसको भेजा है, उसके लाज बचाने के लिए इस काले पेपर को सफेद करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा। और महाराज ने क्या लिखा, झूठी लिखी वो बात सभी, क्या है जी, है ना डी जी, जी गंगा जी पर गंगा, परसों जी की जगह डी सुन लिया, तुम्हारा क्या जाएगा भाई, तुम्हारी तो उंगली चलेगी यहां पर।
झूठी लिखी वो बास भी किस्मत की हो गई। बोलो बोलो। झूठी लिखी वो बास भी किस्मत की हो गई। सुनो, एक प्रेमी को एक ज्योतिष मिल गया। ज्योतिष ने कहा, जिस घर में तुम हो ये घर, इस घर में रहने वाला तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार है? उस आदमी ने कहा, महाराज जिस घर में आप रह रहे हो उसमें मैं ही रह रहा हूं। बोले, यार पागल हो तुम, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बोले क्यों? बोले तुम्हारी कुंडली में लिखा ही नहीं है, तुम्हारी किस्मत में लिखा ही नहीं है कि तुम महल में रहो। दूसरे के घर को अपना घर क्यों कहते हो? उसने कहा, मैंने कब कहा कि मेरे नाम पर रजिस्ट्री है? मैंने तो ये कहा कि इस घर में मैं रह रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस घर का जो मालिक है ना, इस घर का जो मालिक है वो सबको ऐसे ही घर बांटता फिरता है। जिसकी किस्मत में नहीं होता उसको भी बांटता फिरता है। ज्योतिष ने कहा, कौन है? बोले, बताऊंगा नहीं, बस एक बार आप हाँ कर दो, गाड़ी में बैठ जाओ और दिखा दूंगा। ज्योतिष ने कहा, भाई अगर तेरी कुंडली में नहीं और तुझे यह महल दे दिया तो मैं क्यों 1,000-2,000 के लिए धक्के खा रहा हूं, मैं भी चलता हूं। बाहर निकला, बड़ी मर्सिडीज गाड़ी, अरे बाबा महल भी और गाड़ी भी है। अब ज्योतिष को लगा कि आज तक एक्चुअल में मैं मूर्ख था, ये सही था। खाटू ले गया और ले जाकर ज्योतिष को बाबा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, ज्योतिष जी आप कुंडली देखकर जो धंधा करते हो करो, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आपके आप जो लोगों को कहते हो ग्रह नक्षत्र वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जिनको खाटू वाला नहीं मिला उनकी कुंडलियां तो जो आप बोलोगे वैसे ही चलेगी, लेकिन जिनको खाटू वाला मिल गया उनकी कुंडलियां आपके मुताबिक नहीं चलेगी, उनकी कुंडलियां खाटू वाले के मुताबिक चलेगी। भाई अब ज्योतिष क्या कहने लगा लोगों को जाकर कि देख भाई, कुंडली में तो तेरे ये लिखा है। ज्योतिष के भाव बदल गए, विचार बदल गए। अब उसने अपने धंधे की नहीं सोची कि मैं मूर्ख बनाऊंगा। अब उसके दिमाग में आ गया, जब ये जिसकी कुंडली में नहीं लिखा हुआ है, जब ये दरबार में गया और इसके सुन सकता है तो मेरी क्यों नहीं सुनेगा। अब वो लोगों को बताने लगा, सुन तेरी कुंडली में ये नहीं है, लेकिन मैं तुझे कोई पत्थर नहीं बोलूंगा पहनने के लिए, मैं तुझे इतना कहूंगा कि अगर तेरे घर से खाटू वाले का दरबार जितना दूर है और जितना एक्सपेंडिचर लग रहा है खाली जाने आने का, उतना खर्चा कर ले, उसके बाद तेरी जिंदगी बदल ही जाएगी, कुंडली धरी की धरी रह जाएगी। आइए प्रेमी है, इस जगह पर बैठे कुछ लोग ऐसे जिनके साथ ऐसा ही हुआ कि कुंडली में नहीं था लेकिन श्याम दरबार में गए और कुंडली बदल गई है, है ऐसा? आइए। झूठी लिखी वो बास भी किस्मत की हो गई। झूठी लिखी वो बास भी किस्मत की हो गई। जब से बोछार श्याम की, जब से बोछार श्याम की रहमत की हो गई। जब से बोछार श्याम की रहमत की हो गई।
कहते हैं भाग्य से मिला ज्यादा कभी नहीं, श्याम ने मांगे बिना सभी, किन लुटाया श्याम ने मांगे बिना सभी, बाबा की दी कमाई में, बाबा की दी कमाई में बरकत भी हो गई, बाबा की दी कमाई में बरकत भी हो गई। जब से बौछार श्याम रहमत की हो गई, जब से बोछार श्याम की रहमत की हो गई। जिन पे हुई है वो हाथ उठाना, जिन पे हुई है वो हाथ उठाना, तालियां बजाकर। एक बाबा, ये लोग हाथ उठा उठाए हैं, लेकिन किसी के हाथ में छतरी नहीं है। ये भीजना चाहते हैं, ये कहते हैं ये रहमत बरसती रहनी। समय भला मैं क्यों फिकर करूं, समय भला मैं क्यों फिकर करूं, बोलिए बोलिए, कैसा भी हो समय भला मैं क्यों फिकर करूं, कैसा भी हो समय भला मैं क्यों फिकर करूं, है श्याम साथ में मेरे इतना सबर करूं, इतना सबर करूं। खुशियां भी संग अब मेरे, खुशियां भी संग अब मेरे हर वक्त हो गई, खुशियां भी संग अब मेरे हर वक्त हो गई। जब से बौछार श्याम की रहमत की हो गई, जब से बौछार श्याम रहमत की हो गई, रहमत लुटाने वाले की। किसको किसको आता है हाथ उठाकर तालियां बजा। खाटू वाले श्यामबा तेरा ही सहारा, खाटू वाले श्याम बाबा तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा। लख दातार तू है एक जाने जग सारा, लख दातार तू है एक जाने जग सारा, वाले श्याम बाबा तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना है। ये तालियां बजाकर। क्या बात है, मेरे नई इसने हाथों में ले ली पतवार है, मेरी नैया हार है इसने हाथों में ले ली पतवार है। आए तूफानों से डरता क्यों, जैसे
कैसे राखे वो खुशी से जिए जा तू, बाबा श्याम पे भरोसा किए जा तू, कैसे राखे वो खुशी से जिए जा तू। सुनो प्रेमी, तालियां बजाना। आज भी हिंदुस्तान में कई गांव ऐसे हैं जहां में सड़क नहीं है, नदियां पार करके जाते हैं। तालियां बजाना। एक बाबा का प्रेमी था, उसकी एक नाव थी, रोज इस पार से उस पार जाता था, उस पार से इस पार आता था। तालियां बजाना। नाव चलाने वाला हायर कर रखा था, नाव चल रही थी। अचानक एक दिन नाव चलाने वाले ने बीच में जाकर मझधार में कहा, भाई साहब अब ये नाव मैं नहीं चलाऊंगा, ये कहकर वो पानी में कूद गया। लेकिन जो नाव में बैठा था वो चुपचाप चुपचाप बैठा था। नाव चलाने वाला पानी में कूद गया, उसे डर नहीं था क्योंकि उसे तैरना आता था। वो बार बार पानी से निकल कर देख रहा था नाव डूबी कि नहीं, नाव डूबी कि नहीं। वो अलमस्त होकर बैठा था। उसने कहा, पगले तेरे आने से पहले भी मेरी नाव चल रही थी और तेरे जाने के बाद भी मेरी नाव चलेगी, भरोसा होना चाहिए। दुनिया भी सोचने लगी ऐसी क्या बात है, सोचने लगी ऐसी भी क्या बोलो, दुनिया भी सोचने लगी ऐसी क्या बात है, दुनिया भी सोचने लगी ऐसी क्या बात है। दुनिया सोचती है कभी कभी, कभी कभी लगता है ना, आज कुछ नहीं था कल कुछ नहीं था, आज साम्राज्य कैसे हो गया। ये लंगड़ा कर चलता था, सीधा कैसे चलने लगा। तालियां बजाना प्रेमी। दुनिया भी सोचने लगी ऐसी क्या बात है, दुनिया सोचने, ए भाई साहब हेलो, ए नहीं नहीं नो डिस्ट्रीब्यूशन, तुम बांटोगे कि बाबा बांटेगा। जिनको बाबा से चाहिए अगर वो दे भी तो नहीं लेना, बच्चे से, बच्चों को छोड़कर। तालियां बजाओ। दुनिया भी सोचने लगी ऐसी क्या बात है, दुनिया भी सोचने लगी ऐसी क्या बात है, उनको खबर क्या साथ में अब दीना नाथ है, साथ में अब दीना नाथ है। किसके किसके साथ है, उनको खबर क्या साथ में अब दीना नाथ है, उनको खबर क्या साथ में अब दीना नाथ है। अरे बेमोल स्नेह की तो, बेमोल स्नेह की तो कीमत भी हो गई। तालियां बजाओ हमारे अमित बंसल स्नेह के लिए। बेमोल स्नेह की तो कीमत भी हो गई। शीतल भाई कई बार बोलता है, कभी जिनके पैगाम नहीं आते थे आज उनके सलाम आने लग गए। और मैंने क्या, मेरे बाबा को एक बार पुकारा, मेरे नीम के पेड़ पर आम आने लग गए। क्या बात है, मुझे याद नहीं रहता, ये लाइन चार याद रह गई।
अटल सत्य है प्रेमियों। अब कोई विद्वान आदमी, कोई वैज्ञानिक आदमी बोल देगा भाई कि नीम के पेड़ पर आम किस तरह उगे, तो ये बात तो सही है कि नीम के पेड़ पर प्रैक्टिकली तो आम नहीं उग सकते, लेकिन जिनको ठाकुर पर अपने भरोसा है, मीराबाई जैसा अगर भरोसा है, मीराबाई को खत्म करने के लिए राणा ने हलाहल विष का प्याला भेजा दासी के हाथ, मीराबाई भगवान के ध्यान में पूजा में अपने मंदिर में बैठी थी, दासी आई विष का प्याला सामने रख दिया, मीराबाई जब ध्यान से निवृत्त हुई उन्होंने प्याला उठाया, दासी चरणों में गिर गई, महारानी नहीं पीजिए इसको, ये हलाहल जहर है। मीराबाई हंसी, अरे पगली, इसमें जहर नहीं, इसमें मेरे ठाकुर का प्रसाद है, जो मेरे ठाकुर को भोग लग गया वो जहर कैसे हो सकता है, और तू जाने और तेरो जहर पिया अमी बन गया। ये विश्वास जिसके पास है ना, वो नीम का पत्ता अगर तोड़कर चबा जाए तो टेस्ट आम का ही आएगा प्रेमियों, नीम का नहीं आएगा। इसमें आप सब कुछ समझ सकते हो, इसमें आप कुछ भी समझ सकते हो, अगर इस पर अटूट भरोसा है तो जो आप चाहोगे वो होगा, जो आप चाहोगे वो होगा, लेकिन भरोसा वैसा होना चाहिए जैसा ये चाहता है प्रेमी। बेमोल स्नेह की तो कीमत भी हो गई, जब से बोछार श्याम की रहमत की हो गई, जब से बोछार श्याम की रहमत की हो गई। बोलिए हारे के और गाऊं और सुनोगे, नहीं सुनाओगे ना, आई निकाल के इसमें है नहीं। देखिए आज मैं मूड में हूं यार, मेरे मूड को नहीं बदलो दिल से, और मूड मेरे दासी नहीं है, मूड आपने इन्होंने बनाया, क्या दरबार। मैं आज दिल से बोलता हूं, पिछले 5 दिनों से मैं दिल्ली में कीर्तन बाबा करवा रहे, और इस क्षेत्र में डेली एक दिन छोड़कर एक दिन कीर्तन हो रहा है, और रोज अल्टीमेट श्रृंगार, रोज अल्टीमेट श्रृंगार। सही बताऊं प्रेमियों, कलकत्ते में हमारे एक बात की तो मैं बताऊं आपको कि कलकत्ते में सुशील भाई जिस मंडल का बजट 5 लाख रुपया का होता है टोटल, उस मंडल में बाबा का श्रृंगार 3-3.5 लाख रुपया का होता है। जिस मंडल का 50 लाख का बजट होता है उसका कम से कम बजट श्रृंगार का 10 लाख का होता है। वहां पर श्रृंगार को प्राथमिकता होती है कि कोई आए ना तो इसमें अटक जाए, कोई आए इसमें अटक जाए, फंस जाए। मुर्गा फंसा, आपका कमीशन बना हा? अरे गलत थोड़ी है भाई, मैं यहां पर 35 साल से इसलिए थोड़ी खड़ा हूं कि मुझे कुछ गाना आता है, मेरे को ये खड़ा कर रखा है। अच्छा मजे की बात, क्लाइंट भी ये दे रहा है और कमीशन भी ये दे रहा है, क्लाइंट भी कि भाई आज चले जाओ गोल्डन, आज गोल्डन मसाले वाले का फोन आएगा, ठीक है ना, क्लाइंट भी इसने दिया और गोल्डन मसाले वाले या इनके पूरे ग्रुप ने मिलाकर कीर्तन किया, इतने व्यापारी आए, आपने 4 ताली बजाई, 5% का कमीशन मेरा फिक्स हो गया, और तब तक के लिए फिक्स हो गया जब तक आप जिंदा हो तब तक मैं जिंदा हूं, तब तक के लिए कमीशन फिक्स हो गया प्रेमी। इसके दरबार की यही एक खासियत है। आइए
देखिए एक भजन, ये करीब 1.5 साल पहले या 1.25 साल या हो सकता नहीं 2 साल सवा 2 साल पहले ये भजन बाबा ने गवाया, लेकिन आज तक इसका नंबर नहीं आया। कहते हैं ना, समय से पहले तो होता है लेकिन इसकी मर्जी के पहले कुछ नहीं होता। ये भजन ये भजन आज फाइनल टच बनकर आया, और अगर बाबा की मर्जी रही तो 11 के दिन आप इस भजन को सुन सकते हो। अगर वहां से तो हुक्म हो गया, अभी हमारे ऋषभ भाई तरुण क्रिएशन की अगर और चल जाए तो 23 तारीख को बाबा के श्री चरणों में। लेकिन आज किसके किसके डोर बाबा के हाथ में है? देखो मैं अभी जो कोई बोल रहा हूं ना, अभी मत समझना कि कोई ऐसे ही वैसे, अभी महाराज का कीर्तन हो रहा है, सही बताऊं दिल से। मत लिखो, कुछ मत लिखो, आज मैं कुछ नहीं गाऊंगा जो आप बोलोगे, आज जो महाराज वहां से ऑर्डर हो रहा वही गाऊंगा। आइए। थारे हाथा है म्हारी या बाबा जीवन डोर, थारे म्हारी या बाबा जीवन डोर। जो हार
पुकारा रे कन्हैया खाटू वाले श्यामी जियो न घबरावे मायत आगे टावर इतरावे मायत श्यामी जियो न घबरावे। एक बच्चा किसी दूसरे के घर में जाता है, अकेला जाएगा तो बदमाशी नहीं करेगा, इतराएगा नहीं, क्योंकि मालूम है कि बगल वाला घर से निकाल देगा। लेकिन अगर माँ के साथ गया है ना, फिर वो इतराता है, क्योंकि उसे पता है उसकी मां साथ में। तो क्या कहा बाबा से? बाबा मायत आगे टावर इतरावे मायत श्यामी जियो न घबरावे मायत आगे टावर इतरावे मायत श्यामी जियो न घबरावे। महाका मायत थे ही हो महाका मायत थे ही हो कोई ना और हो महाका मायत थे ही हो कोई ना और थारे हाथा है मारिया बाबा जीवन दूर थारे बिगड़ी बनाने आ जा
मुझे गले लगाने आजा, मुझे गले लगाने आजा, हारे को जिताने आजा, खाना रे गाना स्वभाव, माफी को नहीं थारे कोई अभाव, गलती करनो टाबर को है स्वभाव, माफी को नहीं थारे कोई अभाव, फेरू ना गलती करूं मैं, 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 कसियो थे डोर हो, फेरू ना गलती करूं मैं, कसियो थे डोर, थारे हाथा है मारिया बाबा जीवन डोर। ये मिलकर तालियां बजाकर किसके किसके डोर खाटू वाले के हवाले है, तालियां बजाकर एक बार थोड़ी तालियां बजाना गाना। तुम्हारी शरण जब से मुझको मिली है, तुम्हारी शरण जब से मुझको मिली है, पराए भी अपना कहने लगे हैं, तुम्हारी शरण जब से हमको मिली है, पराए भी अपना कहने लगे हैं। मेरे को भी बजाने दो। तुमने निभाई जो मुझसे रिश्तेदारी, तुमने निभाई जो मुझसे रिश्तेदारी, रिश्तों को अब हम समझने लगे हैं, तुमने निभाई जो मुझसे रिश्तेदारी, रिश्तों को अब हम समझने लगे हैं, तुम्हारी शरण। और सुनो, तेरा नाम काफी है जीने की खातिर, दुनिया ये तेरी है बड़ी शातिर, तेरा नाम काफी है जीने की खातिर, दुनिया ये तेरी है बड़ी शातिर। लेकिन एक बात बताऊं, मगर सच है कोई कर होता जो मेरा, मगर सच है कोई कर होता जो मेरा, तो तुम नहीं आते प्रभु मेरी खातिर, मगर सच है कोई कर
होता जो मेरा तो तुम नहीं आते प्रभु मेरी खातिर। हर भजन में आता है ना, बाबा मेरी मुफलिसी के दिनों में कोई मेरे काम नहीं आया, कोई रिश्तेदार काम नहीं आया, कोई साथी काम नहीं आया। अरे शुक्र मनाना कि आपका कोई रिश्तेदार काम नहीं आया, उनका थैंक्स बोलना, क्योंकि अगर आपकी गरीबी में, आपकी मुफलिसी में, आपकी हारी हुई बाजी में अगर कोई रिश्तेदार काम आ जाता तो खाटू वाला काम नहीं आता। हो सकता है आपके बुरे वक्त में किसी आपके खूब अपने ने आपको खून के आंसू रुलाए हो, लेकिन अगर इसकी कृपा हो गई ना तो आज उसके घर जाना, आज उसके घर जाना, मिठाई का बड़ा सा डब्बा लेके जाना, माला लेके जाना, फूल माला पहनाकर मिठाई देकर उसके चरणों में गिर जाना। अगर तुमने मुझे खून के आंसू नहीं रुलाए होते तो मेरा बाबा मेरे आंसू पोंछने नहीं आया होता। मगर सच है कोई कर होता जो मेरा तो तुम नहीं आते प्रभु मेरी खातिर। मगर सच है कोई कर होता जो मेरा तो तुम नहीं आते प्रभु मेरी खातिर। है एहसान इनका जो इनका एहसान है जिन्होंने मुझे ठोकर मारी आपके चरणों में आकर गिर गया। है एहसान इनका जो तुमसे मिलाया, है एहसान इनका जो तुमसे मिलाया, तुम्हारी शरण जब से हमको मिली है पराए भी अपना कहने लगे हैं तुम्हारी शरण। जय जय तैयार खाटू जाने के लिए, हो जाओ तैयार तुम खाटू जाने के लिए, शीश के दाने श्याम का दर्शन पाने के लिए, शीश के दाने श्याम का दर्शन पाने के लिए। मुझसे किसी ने पूछ लिया, अरे क्या है तेरे खाटू में, पूछा क्यों जाए हम ऐसा क्या होने वाला, किसी ने पूछा क्यों जाए हम ऐसा क्या होने वाला, हमने कहा लगता है मेला, हमने कहा लगता है मेला कार्तिक है आने वाला, हमने कहा लगता है मेला जन्मदिन है आने वाला, लगता है दरबार, लगता है दरबार खुशियां लुटाने के लिए, लगता है दरबार खुशियां लुटाने के लिए, शीश के दाने श्याम का दर्शन पाने के लिए, शीश के दाने श्याम का दर्शन पाने के लिए, हो
सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी साचा दरबार हो, सच्ची सरकार तुम्हारी साचा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। देखो तालियां बजाना, ये बच्चा बैठा है, ये मेरा बेटा है, उसकी उम्र का है, चेन्नई रहता था, कश्मीर से खाटू की यात्रा चल पड़ी। हमने पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि मिडिल में बीच में से किसी को भी ऐड नहीं करेंगे। इसका एक्चुअल गांव जहां है वहां से मेरे को एक टेलीफोन आया, वो भी बाबा श्याम के प्रेमी है और हर दो चार दिन में वो फोन करते रहते हैं। यात्रा में जनरली हम लोग टेलीफोन पास में रखते नहीं थे, लेकिन रात को जब पहुंचते थे तो देखते थे कि कोई घर से कोई जरूरी फोन आया है तो बात कर ले। उन प्रेमी का मैंने फोन उठा लिया, उन्होंने कहा संजय भाई एक बच्चा यात्रा में जा रहा है, यात्रा में ऐड होने बच्चा आ रहा है। मैंने कहा भाई साहब बीच में एंट्री नहीं है। बोला आपकी ताकत नहीं है उसको रोक दो। मैंने कहा ऐसा क्या है? बोला उसने नौकरी छोड़ दी, उसने यात्रा में जाने के लिए नौकरी छोड़ दी और चेन्नई से निकल पड़ा है, रोक सको तो रोक लेना। मैंने कहा मेरी औकात नहीं, जो अपनी हस्ती मिटाकर दरबार में आने के लिए तैयार हो गया उसको मैं रोक दूंगा तो मैं नहीं चल पाऊंगा। और इस बच्चे ने उस यात्रा में हम लोगों को क्या प्यार दिया। इस बच्चे ने बताओ, हम लोग तो जितना चले उसका ये बच्चे, ये लोग, ये बच्चे इतना प्रसाद रथ पर आता था, इतना प्रसाद, कोई कार्टून के कार्टून टॉफियां डाल जाता था, कोई कार्टून के कार्टून मेवा डाल जाता था, पता नहीं होता था, कोई कार्टून के कार्टून फल डाल जाता था। ये बच्चे बाल्टियों में भर भर कर रथ आगे चल रहा है और पीछे दौड़ दौड़ कर दुकानों में जाकर बाबा का प्रसाद बांटते थे। हमें ये मिले, हमने ये कमाया। इसलिए कहा बाबा से, बाबा जइया नचाओगा अरे जइया नचाओ नाचूंगा मैं श्याम थारे, अरे जइया नचाओ नाचूंगा मैं श्याम थारे, बनाया ही बंसी मेरो काम, जइया नचाओ नाचूंगा मैं श्याम थारे, बनाया ही बंसी मेरो काम। थारे चरणा के अलावा, थारे चरणा के अलावा, जइया नचाओ नाचूंगो मैं श्याम थारे, बनाया ही बंसी मेरो काम। मैं लाख घोड़े दौड़ा लूं, मैं ये कर लूंगा, नहीं होगा। और मैं चैन से सो जाऊंगा खराटे मार रहे, हार कर थक कर मेरे से नहीं हो रहा है, पता चलेगा आधी रात को काम बन गया। जइया नचावो नाचूंगो मैं श्याम थार, बनाया ही बंसी मेरो काम। और बाबा बस आखिरी में, थारे चरणा के अलावा, थारे चरणा के अलावा, थारे चरणा के अलावा मिलसी ना ठोर हो, थारे चरणा के अलावा मिलसी ना ठोर, थारे हाथा है मारी या बाबा जीवन डोर। ठोर माने समझ में आया क्या? नहीं, हाँ ठोर माने ठिकाना, उस स्पॉट पर जहां मैं पहुंचना चाहता हूं, आपके चरणों के अलावा मेरी कोई दूसरी मंजिल है।
चरणा के अलावा मिलसी ना ठोर हो, थारे चरणा के अलावा मिलसी ना ठोर, थारे हाता है मारिया बाबा जीवन डो। ये आपने गा दिया, आपने गाया, मैंने सुना। हाँ, अरे क्या बात करते। देखिए आखिरी भजन है, आखिरी पुष्प, इसलिए आज एक भजन गाया तो मैंने कई बार है, दिल से बोलूं आज आपको, दिल से बोलूं आज कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा है आज। आई डोंट नो, क्या हुआ मोटा भाई? नहीं, मैंने शरीर से मोटा नहीं बोला, गुजराती में मोटा भाई को नहीं, मोटा भाई मैंने बड़ा भाई। देखो श्याम बाबा को बोलता है कि तुम कितने ही बड़े हो लेकिन तुम छोटे बन जाओगे तो तुझे हमेशा बड़ा रखूंगा। आप कितने ही बड़े बन जाना बेटा, लेकिन छोटों के सामने भी अगर आप छोटा बन जाओगे ना तो आप छोटे नहीं होगे। मेरा खाटू वाला बोलेगा कि झुक जाता है और झुकने वाले को क्या मिलता है? आशीर्वाद, है ना। आई मालिक मारो देखो मैंने पहले क्या कहा था, कलकत्ते में बोलते हैं के तो बाबू उठ तो बैठ तो बोले के उठ तो बोले। ये आज के कीर्तन का आज समापन भजन है, है ना। तो अब तक नहीं गाया तो 5 मिनट अब दे दो, इन 5 मिनट में पूरे कीर्तन का सार मिल जाएगा, है ना, कृपा कर देगा। अरे मालिक मारो सावनियो बन गयो मैं तो चाकनियो, बोलो मालिक मारो सावनियो बन गयो मैं तो चाकनियो, चाकनियो मैं चाकनियो, ओ बाबा चाकनियो मैं चाकनियो, ये तालियां बजा कर।
रूसा रूसी छोड़ सावेरा, रूसा रूसी छोड़ सावेरा, देखो रूसा रूसी छोड़ सावेरा, रूसा रूसी छोड़ सावेरा, अब ना कर तू देरी, अब ना कर तू देरी। क्यों रूसो है कैया काटाया सजा तेरी, क्यों रूसो है कैया काटाया सजा तेरी, क्यों रूस के बैठो है अब तू ही बता के खता मेरी। लाज बचाओ जी बाबा जी थे तो लाज बचाओ जी, लाज बचाओ जी बाबा जी थे तो लाज बचाओ जी। किसके किसके लाज बाबा के हवाले हैं, ये तालियां बजा कर जय हो। कुन जाने या माया श्याम की, कुन जाने या माया श्याम की, अजब निराली रे दिलों की को नात जाट को बन गयो हाली रे, दिलों की को नात जाट को बन गयो हाली रे। मैं तो खाली न जावे मांगनियों,
जहां कहीं भी तुम जाओगे, जहां कहीं भी तुम जाओगे पीछा करूं तुम्हारा, जहां कहीं भी तुम जाओगे, जहां कहीं भी तुम जाओगे पीछा करूं तुम्हारा, पीछा समझ कर भूल गए, ए पागल समझ कर भूल गए श्याम, पागल समझ कर, पागल समझ कर भूल गए श्याम, पागल समझ कर, पागल समझ कर भूल गए श्याम, पागल समझ कर समझ करो, पागल समझ कर भूल गए, भूल गए श्यामा मुझे, पागल समझ कर भूल गए। बिन बोले तू सब कर गयो, बिन बोले तू सब कर गयो, सेवा पा कर के तर गयो, सेवा पा कर के तर गयो, शाम के जैसो गावनियो बन गयो मैं तो जा करियो, बन गयो मैं तो चार।